श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। चंद्रभागा कथा पूर्ण हो चुकी है और अगली कथा पावागढ़ में 23 जनवरी से अर्थात 2 दिन बाद आएगी। उससे पहले 22 जनवरी को विशेष तिथि पड़ रही है। 22 जनवरी से गुप्त नवरात्र शुरू हो रही है और गुरुजी ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस नवरात्रि में करके आपको उनका फल शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है। इसलिए इस गुप्त नवरात्र का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के 5 महा उपाय बता रहे हैं, जिन्हें आपको इस शुभ अवसर में करके पूरा लाभ प्राप्त करना ही है। सभी उपाय आपको वीडियो में करके बताएंगे और आप चाहो तो पूरे 5 उपाय कर सकते हैं या फिर जो आपको ठीक लगे वो उपाय आप कर सकते हैं। एक बात तो है, 5 में से आप एक उपाय भी करके गुप्त नवरात्रि का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जान लेते हैं पहला उपाय कौन सा है और वो उपाय किसे करना है। जिन लड़के लड़कियों के विवाह में देरी हो रही है, अड़चन आ रही हो, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हो, बात बनते बनते बिगड़ जाती हो, 30, 32, 34, 36, 38 साल के हो गए हों और शादी के योग ही नहीं बन रहे हों, तो अच्छे संबंध अच्छे रिश्ते के लिए आपको इस गुप्त नवरात्रि में ये उपाय करना ही है। इस उपाय को करने के लिए आपको जो जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो इस प्रकार है। आपको चाहिए होंगे आम के पत्ते, पिसी हुई हल्दी, सिंदूर, पीले चावल मतलब हल्दी में किए गए चावल और कुमकुम या रोली वाले चावल। अब आपने जो एक आम का पत्ता लिया है उसे आप पहले साफ कर लीजिए, धो लीजिए और इसके बाद इस आम के पत्ते में आपको 2 स्वास्तिक बनाना है। एक स्वास्तिक बनाने के लिए आपको हल्दी का उपयोग करना है और दूसरे स्वास्तिक बनाते समय आपको सिंदूर या रोली का या कुंकू का उपयोग करना है। आपने 2 स्वास्तिक बना लीजिए, पहला एक हल्दी का स्वास्तिक बनाना है और दूसरा आपको सिंदूर या रोली का स्वास्तिक बना लेना है। हल्दी के स्वास्तिक के ऊपर आपको कुमकुम या रोली वाले चावल आपको उसके ऊपर रखना है, समर्पित करना है और दूसरा जो आपने सिंदूर का या रोली का स्वास्तिक बनाया है उसमें आपको पीले चावल रखना है। पीले चावल मतलब हल्दी में किए गए चावल अक्षत का आपको उपयोग करना है। अब जिसका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में देरी हो रही है, उस लड़के या लड़की के हाथ में इस आम के पत्ते को रख देना है। उसे अपना नाम और गोत्र बोलना है और इस पत्ते को आपको नीम के पेड़ के नीचे जाकर छोड़कर आ जाना है। ये उपाय आपको इस 22 जनवरी से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि को करना है। अब हम आपको डेट भी बता देते हैं कि आपको किस तारीख में ये उपाय करना है। आपको ये उपाय 26 जनवरी के दिन करना है, अर्थात गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि 26 जनवरी को पड़ रही है और साथ में बसंत पंचमी भी है। इस शुभ अवसर का फायदा जरूर उठाइए। बस इतना ही आपको करना है। गुरुजी ने बताया है इस उपाय को करने से आपका विवाह 3 से 4 महीने में पक्का हो जाता है, अच्छे रिश्ते भी आते हैं और अड़चने भी दूर हो जाती हैं। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। गुरुजी ने एक उपाय बताया था जिसे माता जानकी अर्थात सीता जी ने राम जी के दर्शन पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में किया था। अर्थात आप भी ये उपाय किसी भी मनोकामना को मन में रखते हुए या कोई मनोरथ के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ति का विशेष उपाय है। इस उपाय को करना एक विशेष क्रम से है और ये उपाय आपको गुप्त नवरात्रि के पहले दिन से 9वें दिन तक करना है। उपाय आसान है, बस इस उपाय को करने के लिए आपको पुष्प की आवश्यकता होगी। आपको शंकर भगवान के शिवलिंग में पुष्प अर्पित करना है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन शिवालय में जाकर शिवलिंग में 9 पुष्प अर्पित करें। अब आप शिवलिंग में जहां जहां लगे वहां पुष्प अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी ने ऐसा कोई विशेष स्थान नहीं बताया है, बस पुष्प आप शिवलिंग में ही अर्पित करना है। भोलेनाथ का स्मरण करते हुए या फिर कोई भी मंत्र का जाप करते हुए आप पुष्प अर्पित करें। आप नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पहले दिन आपको 9 पुष्प अर्पित करना है। अब आप केतकी का फूल छोड़कर कोई भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। आप चाहो तो गेंदे का फूल, चमेली का फूल, गुलाब का फूल, सफेद फूल या जो भी आपको मिल जाए आसानी से वो पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। अब थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। तरीके से 9 का पहाड़ा होता है, 9 का टेबल होता है, तो पहले दिन आपको जैसे 9 पुष्प अर्पित करना है, इसी तरह आपको अगले दिन मतलब गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन आपको 18 पुष्प अर्पित करना है, तीसरे दिन आपको 27 पुष्प अर्पित करना है, चौथे दिन आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 36 पुष्प अर्पित करना है, पांचवें दिन नवरात्रि के आपको 45 फूल अर्पित करना है, छठवें दिन 54 पुष्प अर्पित करना है और सातवें दिन 63 फूल अर्पित करना है और आठवें दिन आपको गुप्त नवरात्रि के 72 फूल अर्पित करना है और इसी क्रम से आपको 9वें और अंतिम दिन आपको 81 फूल अर्पित करना है। बस आपको इतना ही करना है। माता सीता को राम जी के दर्शन प्राप्त हो गए थे। माता सीता ने, माता जानकी ने यही उपाय किया था और उन्हें राम जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। और आप भी जिस मनोरथ को रखकर ये उपाय करेंगे और महादेव की कृपा से आपका वो मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा, जरूर पूरा होगा। अब पढ़ते हैं गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाला तीसरा उपाय। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ये उपाय अपनी पिछली कथाओं में बताया था। गुप्त नवरात्रि में गुरुजी ने पति पत्नी के क्लेश को दूर करने के लिए काफी अच्छा उपाय बताया है। अगर पति पत्नी में झगड़े होते हैं, पति किसी अन्य स्त्री में रुचि दिखा रहा हो और बात तलाक तक पहुँच रही हो,
तो आपको माता जगदम्बा के मंदिर में ध्वजा लगवाना है। आप मंदिर में जाकर पंडित जी को ध्वजा भी दे सकते हैं, वो लगवा देंगे। अब इस ध्वजा में आपको मक्खन लगाकर लगा देना है और माता जगदम्बा के मंदिर में थोड़ा सा आपके सामर्थ्य के अनुसार मक्खन भी चढ़ाना है। प्रसाद रूप में मक्खन अर्पित जरूर कीजिएगा। बस इतना ही कर देने से पति पत्नी में क्लेश दूर होंगे और संबंध में मधुरता देखने को मिलेगी। ये उपाय आप इस नवरात्रि में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। अगर आपको लगता है कि आपके घर के बच्चे बिगड़ रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, बात बात में उल्टे जवाब दे देते हैं, मुँह चला रहे हों, आपकी बात नहीं सुनते हों, गलत मार्ग पे जा रहे हों, आदर और सम्मान ही नहीं करते हों, तो इस गुप्त नवरात्रि में आपको ये उपाय करना ही है। आपको माता दुर्गा के मंदिर में जाना है। माता दुर्गा के मंदिर में जाकर आपको लाल पुष्प, लाल चूड़ी और लाल चंदन माता रानी को समर्पित करना है। आप कोई भी लाल सामग्री माता रानी को समर्पित कर सकते हैं और माता से हाथ जोड़कर निवेदन कीजिए। आप अपने बेटे या बेटी जो भी सतमार्ग में नहीं चल रहा हो, माता रानी से निवेदन कीजिए कि सतमार्ग दिखाने की कृपा करें। बस इतना ही आपको करना है। ये उपाय आप इस गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं पांचवे उपाय की तरफ। गुप्त नवरात्रि 22 जनवरी से शुरू हो रही है, तो आपको आपके घर के सुख शांति के लिए, धन वृद्धि के लिए अपने ही घर में माता दुर्गा के सामने एक लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है। आप रोज एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, माता की कृपा आप पर जरूर होगी। माता रानी को लाल पुष्प अर्पित करें। बस आपको दीपक प्रज्वलित करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो लंबी बाती का घी का दीपक लगा रहे हैं उसकी दिशा दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए, अर्थात दिए की जो लौ है दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जो आप घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें जो बाती, लंबी बाती रखेंगे वो दो होना चाहिए। दो बाती का दीपक मनोकामना पूर्ति देता है, तो आप दो बाती को एक साथ जोड़कर उसको प्रज्वलित जरूर कीजिएगा। आपको नवरात्रि के 9 दिन में से एक दिन ऐसा बना लेना है जिसमें आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी हो सके उतनी कन्याओं को भोजन कराना है, उन्हें जिमाना है, और आप उन्हें लाल रुमाल, लाल चुनरी या लाल सामग्री कोई भी दे सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको सुख की प्राप्ति होगी और आप पर माता जगदम्बा भवानी की कृपा होगी निश्चित तौर से। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ घर की हर नारी को करना ही चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से मनोकामना तो पूर्ति होती ही है, साथ में रोग मुक्ति भी होती है। अगर आपका कोई विशेष रोग है जिसे आप चाहते हैं कि आप उससे मुक्त हों, तो इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य ही करें। आपको नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती पाठ को एक विशेष क्रम से किया जाता है। कम समय में दुर्गा सप्तशती का लाभ प्राप्त करने के लिए पहले कवच, कीलक और अंगला स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। इसके बाद कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें। ऐसा करने से दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल प्राप्त होता है। आपको नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, या आप अष्टमी और नवमी के दिन भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप पहले और अष्टमी वाले दिन या नवमी वाले दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। आप अपने बच्चों को भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का बोल सकते हैं। उनके अच्छे भविष्य के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य ही करें। यदि वह नहीं कर पा रहे हो तो आप उनके निमित्त घर में कोई भी बड़ा सदस्य दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकता है, उससे भी उनको दुर्गा सप्तशती का पाठ का पूरा पुण्य और लाभ प्राप्त हो जाता है। इन उपायों को लेकर यदि मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं।